Okay guys, so in this video we'll be discussing about lists and tables. Okay, so main yahan par likh deta hu. The first thing that we'll cover is lists, and then we'll discuss tables. Okay, so I guess lists aapne dekhe honge, do teen tarah ke lists hote hain HTML mein. Basically listing down your items. Okay, so there are three types. In fact, I'll write it down like this. So the first is unordered list. The second one is ordered list. Spelling mistake, ignore it. And the next one is description lists. Description lists. So main ye teenon dikhane wala hu is video mein, aur fir hum log tables discuss karenge, theek hai? So let's talk about unordered list. So what's simple hai, you can write a paragraph and you can write it like this: my favorite movies, right? Or iske niche you can just create a ul tag for unordered list, and inside the ul tag you can add your items using the li tag, list item. Okay, like this. So you can write movies like this: Three Idiots, li, Gangs of Vasaipur. Then we have, let's say, Rocket Singh, and kuch bhi, like whatever you want to write, right? Matlab jo bhi aapka requirement hai, let's say The Dark Knight. Okay, something like this. Ab aapko kya karna hai, bas you have to go to your folder HTML training, और वहाँ से इस फाइल को ओपन कर देना. दैट्स इट. एंड गाइस, ये रहा, दिस इज़ अ अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है, सब बराबर है, सबके आगे एक डॉट लगा हुआ है. बट वॉट यू, इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन क्रिएट अ, ये यू कैन क्रिएट अ ऑर्डर्ड लिस्ट एज वेल. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. सो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली इस पूरे कोड को कॉपी करना है और बस एक बार इसके नीचे पेस्ट कर देना है लाइक दिस. और यहाँ पे बस एक चेंज करना है, यू एल के बदले ओ एल कर देना है, विच स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट. एंड यू विल सी द चेंज, दिस इज़ द चेंज. सी, अब वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक नंबरिंग आ गया, 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको लग रहा है कि आपके चीज़ों में एक ऑर्डर है, यूज़ ऑर्डर्ड लिस्ट. और अगर आपको लगता है सब बराबर है, तो यूज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, एक और लिस्ट होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं. सो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं मूवी और उसका एक्टर का नाम और उसके रिलीज ईयर को लिख रहा हूँ. ठीक है, सो ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ पूरी चीज़ को. हम यूज़ कर रहे हैं डी एल एज इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट. ओके, और इसमें होता है सबसे पहले डी टी एज इन द टर्म. सो लेट्स से हमने लिखा थ्री इडियट्स, इडियट्स. ओके, अब इसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, मैं डी डी बोल के एक टैग होता है, डिस्क्रिप्शन टैग. इसमें मैं लिख रहा हूँ आमिर खान. ओके, और इसके नीचे फिर मैं एक और डी डी में लिख रहा हूँ 2009. ओके, फिर मैं एक और डी टी टैग स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंड टर्म, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गैंग्स ऑफ वसेपुर. ओके, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी डी में मनोज वाजपेयी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी डी के अंदर 2012. ओके, एंड द लास्ट इज अगेन अ डी टी. सो लेट्स से रॉकेट सिंह ही लिख लेते हैं, रॉकेट सिंह. और इसके नीचे में विल राइट डी डी, एंड डी डी के अंदर विल राइट रणबीर कपूर. And then I don't even remember the release year, so I'll simply write 2009. Okay, and that's it guys. अगर आप, मैं रीलोड करके दिखाऊँ तो यू वुड बी एबल टू सी. ये रहा गाइज आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट. देखो, सो हर एक टर्म को आप डिस्क्राइब कर रहे हो विद दीज थिंग्स. ओके, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट. कभी कभी काम आता है, सो मैंने बस इसलिए पढ़ा दिया. ठीक है, अब गाइज लेट्स मूव आर डिस्कशन टू टेबल्स.
ठीक है. सो मुझे क्या करना है, मुझे लेट्स से ये सेम इन्फॉर्मेशन मुझे टेबल में डिस्प्ले करना है. ठीक है, मुझे मूवी का नाम, एक्टर का नाम, रिलीज ईयर डिस्प्ले करना है. कैसे कर सकता हूँ मैं ये? आपको सबसे पहले टेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा. टेबल टैग में आप सबसे पहले क्या करते हो, रोज़ बनाते हो. तो आप हमेशा रोज़ के टर्म में टेबल को प्लान करते हो. तो आप लिखते हो टी आर, टी आर मतलब टेबल का रो. और टी आर के अंदर आप पहले हेड, आपका जो पहला रो होता है वो हेडिंग होता है. तो आप यहाँ पे लिखोगे टी एच. इनफैक्ट आप ये करो सबसे पहले, इनफैक्ट या टी एच विल डू. ओके, सो टी एच के अंदर आप लिख सकते हो सीरियल नंबर, देन यू कैन राइट टी एच के अंदर मूवी, देन यू कैन राइट टी एच के अंदर एक्टर, एंड देन यू कैन राइट टी एच के अंदर ईयर एज इन रिलीज ईयर. ओके, अब आप क्या कर रहे हो, सेकेंड रो क्रिएट कर रहे हो और इसके अंदर आप अपना पहला मूवी ऐड कर रहे हो. ठीक है, और मूवी ऐड आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे टी डी. अब ये टेबल डेटा है, ये टी एच नहीं है. ठीक है, टेबल डेटा में यू विल राइट वन एज इन फॉर सीरियल नंबर. फिर आप लिखोगे टी डी में थ्री इडियट्स. फिर आप नेक्स्ट टी डी में लिखोगे आमिर खान. और फिर आप नेक्स्ट वाले टी डी में लिखोगे ईयर, ईयर एज इन 2009. ओके, ये हो गया अपना पहला मूवी का डिटेल्स. अब आप एक और टी आर ऐड कर सकते हो और इसमें आप सेकेंड मूवी का डिटेल्स ऐड कर सकते हो इन टी डी. सो नेक्स्ट इज़ आई गेस गैंग्स ऑफ वसेपुर. सो हमने लिखा सीरियल नंबर में टू, फिर आपने टी डी में लिखा गैंग्स ऑफ वसेपुर, और फिर आपने टी डी में लिखा मनोज वाजपेयी, और आपने फिर से टी डी में लिखा 2012. राइट, ये आपके तीन रोज हो गए. अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है. एंड गाइज, ये रहा आपका, दिस इज़ इट. ओके, अभी थोड़ा सा गरीब लग रहा है, आप इसको ऑब्वियसली इम्प्रूव कर सकते हो जब आप सी एस एस पढ़ोगे, बट आई विल ट्राई. कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे मुझे लगता है ये हो जाना चाहिए. सो अपेरेंटली देर इज़ एन एट्रीब्यूट कॉल्ड बॉर्डर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. या बॉर्डर, बॉर्डर में अगर आप वन दे देते हो तो बॉर्डर आ जाना चाहिए. लेट्स सी, या सी दिस इज़ द बॉर्डर गाइस. ठीक है, सो आप ये कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ कि आप इसमें शायद विड्थ दे सकते हो, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. आई डोंट थिंक सो, मतलब देखना पड़ेगा. यहाँ पर एक चीज़ और है, आप स्टाइल बोल के एक एट्रीब्यूट होता है, उसमें आप विड्थ दे सकते हो 100% का. अब ये सी एस एस का पार्ट है टू बी ऑनेस्ट, बट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ. और ये देखो गाइस, ये 100% विड्थ हो गया. ठीक है, आप इस तरीके से ही काम करते हो. आप धीरे धीरे समझ जाओगे जब आप सी एस एस थोड़ा सा और पढ़ोगे, बट बेसिक लेआउट कैसे होता है टेबल का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट मेक श्योर आपको एक बार ये आ जाए. सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. आई होप आपको समझ में आया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.